राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में चार धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। आयोजित बैठक में सीएम धामी ने चार धाम यात्रा को कोटद्वार से संचालित करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके अलावा उन्होंने यमुनोत्री धाम की धारण क्षमता बढ़ाने को कार्य योजना तैयार और यात्रा प्राधिकरण को लेकर भी निर्देश दिए। वही सीएम धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा मुख्य रूप से हरिद्वार ऋषिकेश से संचालित होती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के चलते जाम की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में चार धाम यात्रा का संचालन किस तरह से कोटद्वार से किया जा सकता है, इसकी भी संभावनाएं तलाशी जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि चार धाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चार धाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो और जो चार धाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो बल्कि वो आने वाले समय में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव यह आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा, तो एक हमने वैकल्पिक ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी वो एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो विकासनगर से यात्रा चलती है तो डामटा से आगे की जो सड़क है उस सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ, उनसे मिलूँगा तो उनसे अनुरोध करूँगा। यमुनोत्री धाम जहाँ पर इस पर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है और हर समय ये हम लोगों के सामने एक आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो, सभी यात्रियों की यात्रा वहाँ सकुशल हो, तो यमुनोत्री धाम का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़े, उसके विकल्पों पर अन्य मार्गों पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो चारधाम यात्रा यहाँ से चलती है, ऋषिकेश से आगे को जाती है तो वो श्रीनगर से सीधे रुद्रप्रयाग निकल जाती है। आने वाले समय में पौड़ी भी उसका एक डेस्टिनेशन बने, उसके लिए भी हम कुल मिलाकर जो हमारे केदारनाथ का, यमुनोत्री का और हेमकुंड साहब का जो रोपवे है उसके निर्माण कार्य की जो है प्रगति जल्दी हो, उन सब पर मैंने और जल्दी से जल्दी सभी अधिकारियों को इन कामों को पूरा करने के लिए उनका लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यात्रा का जो हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं, यात्रा प्राधिकरण भी इस पर बहुत गहनता से काम कर रहा है, सभी से बातचीत भी करेगा, सबके विचार भी लेगा, उसके बाद हम इसको धरातल पर उतारेंगे।